बंदूक ही वाली वाली ले क्या बताओ तो ये होगा आपका 95% डोप्ड, ये 0.001, ये 5% डोप्ड 0.5। खुश हो? अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको रखते हैं विषम फॉरवर्ड बायस्ड पी नेट पॉजिटिव, इसको रखते हैं रिवर्स बायस्ड बी नेट टू नेगेटिव, करेक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव क्या करेगा सो ड्रैग इस डायरेक्शन में, तो होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम एमिटर। क्या बोलते हैं हम? जो इलेक्ट्रॉन होल्स को एमिट करेगा, ये कलेक्टर जो होल्स को कलेक्ट करेगा, और ये बेस। क्या बोलते हैं इसको हमारे? बेस, ठीक है। यहां से करंट आएगा जिस डायरेक्शन में होल्स है उसे करंट जाएगा, यहां पे बेस, यहां पे कलेक्टर, तो एमिटर करंट बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये ऑलवेज ट्रू है, क्लियर। होल्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका सिंपल इस तरीके से ऐसे बनाना है आपने, ऐसे तो यहां से अंदर उसने इसके अंदर ऐसे ये एरो कहीं और नहीं लगाना, यहां नहीं लगाना, यहां नहीं लगाना, इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना, बच्चे ऐसे बना देते हैं एक बार, ये ज्वाइन नहीं करना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर से जाएगा। अब अगर सपोज यहां से हम वोल्टेज को वेरी करते हैं, वोल्टेज को हम वेरी करते हैं, ठीक है जी, यार क्या करते हैं वोल्टेज को, तो करंट पॉजिटिव अगर वेरी करेंगे पॉजिटिव बढ़ाएंगे यहां से तो होल्स को पुश बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, तो वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट आईई विद इनपुट वोल्टेज, वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विद एमिटर बेस वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते इसको हम? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट। तो जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे साथ ही साथ कुछ बढ़ जाएगा तो आपका करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, करेक्ट, एट कॉन्स्टेंट आई सी, मतलब आई सी इक्वल्स टू यहाँ मान लो -2 वोल्ट। अगर आप यहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसके बढ़ने का रेट जो है वो और बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज भी यहां से और बढ़ाते हैं वोल्टेज ऑलरेडी बढ़ जाएगा, -2 लिखा है रिवर्स बायस में, क्लियर। एक जगह से तो आप धक्का मार रहे हैं, दूसरे से अगर आप खींच रहे हैं तो अगर धक्का बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में अगर खिंचाव खींच रहे हैं तो वो और तेज बढ़ जाएगा, समझ गई, समझ गई, ओके। अब कैरेक्टर के पास खुद के होल्स बहुत कम है, अगर आप यहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं थोड़ा सा बढ़ेगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद के होल्स है नहीं, इसे कौन दे रहा है होल्स? एमिटर दे रहा है, करेक्ट। तो वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट विद आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गए। तो अगर आप यहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं इसको बोलते हैं हम कलेक्टर बेस वोल्टेज बीसी, इसको बोलते हैं आप मीटर बेस वोल्टेज बीई, करेक्ट। दिस वोल्टेज आल्सो कॉल्ड इनपुट वोल्टेज, दिस वोल्टेज आल्सो कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज, समझ गए। इन दैट केस पहले बढ़ेगा सून बिकम्स कॉन्स्टेंट, अगर आप मीटर करंट बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। मीटर करंट बढ़ाएंगे तो यहां से बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है। मैं पैसे दे रहा हूं मारे को, मारे पैसे दे रही है तुमको, मारे के पास अपने पैसे थोड़ी सी 10-20 रुपए पड़े, समझ रहे हो। तो अगर मैं रिजन इंक्रीज करता हूँ मैरे को तो ऑब्वियसली रिजन पास इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर सो मैं नहीं बढ़ा रहा पैसे और वो उससे खोंस लगे और दे
डेफिनेटली इसी कारण है थोड़ा सा देगी इसके बाद क्या हो जाएगा कॉस्ट उठ जाएगा बट अगर मैं सप्लाई ऐसे इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा समझ गए सो द टाइमिंग और ये पूरा अब तो आपको उनके नाइकल में हाँ जी तो the ratio of output current to input current इसको बोलते हम testing current हाँ जी तो इसमें नहीं है called DC current gain DC current gain the variation of change in output current to change in emitter current is called AC current gain इसको बोलते हैं अल्फा एसी अल्फा बीसी समझ गए चेंज इन आउटपुट करंट और चेंज एमिटर करंट इज कॉल्ड करंट गेन या चेंज इन आउटपुट इनपुट या डेल्टा इज कॉल्ड करंट गेन सिंपल रेशियो इज कॉल्ड डीसी करंट गेन चेंज इज कॉल्ड एसी करंट गेन समझ गए दोबारा समझाने एक बार और बस बहुत एक तीसरी बार जंक्शन पे ऐड कर रहे हैं हम ठीक हमारे पास एक टाइप सेंट्रीफ्यूज दूसरा टाइप सेंट्रीफ्यूज दिया गया ये पी टाइप ये एन टाइप ये 95% डोप है ये 0.5% या 5% ले लो या 0.0% मतलब ऐसे बहुत सारे होल्स हैं इसमें कम होल हैं इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिक काम टू कंप्लीट द सर्किट होता है पी इज ऑलवेज केप पावर बाइस्ड पी पॉजिटिव से एंड दिस इज प्रोड्यूस बाइस्ड पी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पुश करेगा तो होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इसके पास खुद के बहुत ज्यादा तो वही होल्स यहाँ और यहाँ जाएंगे समझ गए तो मतलब जहां से करंट आ रहा है मीटर दैट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस इलेक्ट्रिक करंट ये होल्स को एमिट कर रहा है किसका नाम मीटर कलेक्ट कर रहा है इसका नाम कलेक्टर इसका नाम बेस करेक्ट है तो मीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस इलेक्ट्रिक करंट ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू यहाँ से अंदर आ रहा करंट तो ये हो गया अगर हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसको पुश बढ़ेगा तो बहुत तेजी से होल्स बढ़ेंगे बहुत तेजी से होल्स बढ़ेंगे तो करंट बहुत तेजी इंक्रीज कर जाएगा साथ ही साथ वी वोल्टेज बढ़ा दें तो खिंचाव बढ़ रहा है तो और तेजी से बढ़ जाएगा करेक्ट इसके बाद खुद की होल्स बहुत कम है अगर आप वी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बट अगर यहाँ से मीटर बढ़ा दिया क्योंकि ये देने वाला बेसिकली मीटर है ये बढ़ जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा समझ गए समझ गए अब आपने क्या करना है आपने पढ़ना है इसको बस ग्राफ वगैरह सब कुछ सेफ रहेगा फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा समझ गए जैसे हमारे पास पीएनपी है वैसे हमारे पास डीआर क्या आएगा डीआर एनपीएन यस हमारे पास एनपीएन में ये होगा एन पी एन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कम होल्स इलेक्ट्रॉन्स बट कम यहां पे फॉरवर्ड बायस्ड ये रिवर्स बायस्ड ऐसे अब करंट इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे यहां से जाएंगे ऐसे वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट लेते हैं कन्वेंशन करंट तो करंट हमारा आएगा यहां से आईसी आएगा आई बी आएगा यहां को जाएगा तो आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी करेक्ट करंट यहां से बाहर निकल रहा है इससे सिंपल बनेगा ऐसे ऐसे बाहर समझ गए अंदर आएगा तो पीएनपी बाहर निकलेगा तो एनपीएन हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एनपीएन ही यूज करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसमें करंट गेन की वैल्यू काफी ज्यादा आती है काफी ज्यादा कोई बात नहीं समझाएंगे बात समझाएंगे
करंट गेन की वैल्यू एनपीएल में ज्यादा आती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो इनिशियली जब आज से 10 साल पहले सर्विस ले जाएं, तो कॉमन बेस, कॉमन मीटर और कॉमन कलेक्टर तीनों स्लेब्स में हुआ करते थे। अब सिर्फ कॉमन एमिटर है स्लेब्स में, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? अब एक चीज आप ध्यान चाहता हूं कि एमिटर करंट बढ़ाते थे तो बेस और कलेक्टर बढ़ता था। क्या बेस और एमिटर बढ़ाने से बेस और कलेक्टर, क्योंकि एमिटर एमिट कर रहे हैं। अगर सपोज हम एमिटर करंट को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बेस और कलेक्टर देख रहे हैं, हम सिर्फ बेस और कलेक्टर। तो अगर बेस करंट बढ़ता होगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ता होगा, बेस घटता होगा तो कलेक्टर भी। समझ गए? बेस करंट बढ़ रहा होगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा होगा। अगर कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो बेस करंट भी। अरे बिटर जी बता रहा हूँ, मैं मारे को पैसे दे रहा हूँ, मारे उसको दे रही है, समझ रहे हो? मैं आउट ऑफ पिक्चर से, उसके पैसे बढ़ रहे हैं, उसके पैसे बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ तो ही बढ़ रहे हैं। नहीं समझेगी बात? सर एक डाउट था। बोलो। आई भी बढ़ रहा है सर। आई ई बढ़ रहा है तभी तो ये दोनों बढ़ रहे होंगे। सर अगर आई कांस्टेंट हुआ तो एक फिर तो ऑब्वियस बढ़ेंगे नहीं। ये देने वाला है, बाकी यूज करने वाले हैं। समझ गए? ओके। तो बेस और कलेक्टर में से कोई सर पड़ेगा तो फिर वो एमिटर की वजह से पड़ेगा। यो अब कहानी क्या है हमारे पास? हमने करना है कॉमन एमिटर एनपीएन, कॉमन एमिटर एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पूरी कहानी ध्यान सुनिए आप, सही टाइम पे सुनाने। यहां से करंट आ रहा है कलेक्टर है, यहां से करंट आ रहा है बेस है, यहां करंट जा रहा है एमिटर है, करंट बाहर निकल रहा है तो है बस। ठीक है विश? यस सर। सी प्रॉब्लम ये है बेस की वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम वी बी बी। कौन बी बी? बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज। दिस इज वी सी सी कलेक्टर वोल्टेज। हो गया आपके साथ? दिस इज बेस रेजिस्टेंस आर बी या इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहां से वोल्टेज जाएगी, कुछ यहाँ ड्रॉप होगी, बाकी बच्ची इसके क्रॉस आ जाएगी, सारांश कहाँ जाएगी? इसके बोले तो बेस एमिटर क्रॉस, इसको बोलते हैं बेस एमिटर वोल्टेज, जिसको हम इनपुट वोल्टेज भी कहा करते थे। खैर तो वीबीबी जो है वो दो जगह काम आ रही है, रेजिस्टेंस और ड्रॉप हो रहा है, आई बी आर बी। यहाँ से रन क्या जा रहा है? आई बी जा रहा है, वोल्टेज इज आई टू आर, आई बी आर बी, बाकी बच्ची वोल्टेज से क्रॉस आ जाएगी वी बी ई। तो वी बी ई क्या आ जाएगा? वी बी बी माइनस आई बी आर बी, करेक्ट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम? इनपुट वोल्टेज। और अगर उसको हम यहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली करंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इनपुट करंट कौन है? बेस करंट है। वोल्टेज इनपुट क्या है? बी ई है। ये समझाया था, ग्राफ तो वैसे ही आएगा। क्लियर? और यहाँ की जो वोल्टेज है अगेन कुछ ज्यादा हो रही है,
ICRC 32 से क्रॉस, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE। तो VCE क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, सारांश या समझी। और हम यहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सेम काम है, ग्राफ पहले वोल्टेज बढ़ेगी फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट, दिस इज IC, दिस इज VEC, दिस इज IB, IB1, IB2, IB3। तो IB3 is more than IB2, is more than IB1। अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, समझ गए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, इतनी समझ जाती है। अब इसके आते हैं यूजेस, इसके तीन यूजेस हैं, एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर, एज अ स्विच, समझ गए। तो आपको बेसिक इसकी वर्क की समझ आती भी हो कैसे रहा है, बाकी मेरे को सिंपलेशन जैसे आते हैं। क्या मांगे, एज एन एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में हम यहां से लगाते हैं इनपुट, दैट इज कॉल्ड सिग्नल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, सिग्नल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, नब्बे क्या बोलते हैं, हाँ ये सिग्नल आ रहा है, करेक्ट। तो व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज फिल्ड, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो आईबी क्या इंक्रीज कर जाएगा, आईबी इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा, आईसी इंक्रीज करेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर जाएगी, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर बढ़ रहा है, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तुम्हारा आउटपुट की जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। अच्छा नेगेटिव फीड करेंगे, नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग अपोज करेगा, आईबी डिक्रीज करेगा, आईबी डिक्रीज करेगा तो आईसी डिक्रीज करेगा, आईसी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज करेगा, प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज करेगा तो आउटपुट पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो एम्पलीफायर तो है बट ऑपोजिट फेज में आता है आउटपुट, करेक्ट। तो आउटपुट जो है इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, समझ गए। तो जहां भी लिखा हो डेल्टा आईबी मतलब वो सिग्नल वोल्टेज है या सिग्नल है इनपुट का, समझ गए, नहीं समझे। देयर इज टर्म कॉल्ड करंट गेन, तो बीटा डीसी आउटपुट बाय इनपुट, ओके। आपको याद है कि आई इक्वल्स टू क्या था, आईबी प्लस आईसी था, है ना। तो आईबी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड बाय आईई कर दो, तो आईसी बाय आईई अपॉन 1 माइनस आईसी बाय आईई। आपको याद होगा कि आईसी बाय आईई क्या था, अल्फा था, याद है। इसका मतलब बीटा डीसी इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन में, करंट गिन दे देंगे आपको, काउंट बेस का निकालना होगा, काउंट मीटर का अपना लगाओ, वहां से निकालो, बट फॉलो पता होना चाहिए, समझे। और बीटा एसी डेल्टा एसी बाय डेल्टा एसी, या वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, प्लीज पे अटेंशन, बोर्ड स्टॉप राइटिंग, एवरीथिंग इज रिटन इन द नोट्स, एवरीथिंग कहां लिखा है बता दूंगा, समझे। वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी बी सॉरी डेल्टा वी सी ई फॉर डेल्टा वी बी, वोल्टेज का ऑफ द करंट रेजिस्टेंस इज डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी, आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज गेन इक्वल्स टू बीटा ए सी इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, करेक्ट।
दिस टर्म कॉल्ड पावर गेन। पावर गेन, पावर क्या होता है? बी स्क्वायर बाय आर मतलब बी का ए सी का स्क्वायर आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ये पावर गेन हुआ। देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस, इट इज ट्रांसफर ऑफ कंडक्टेंस। फॉर्मूले क्या होता है? आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले बेसिकली लास्ट पेज पे लिखे हैं। गेन्स, टाइप्स ऑफ गेन, कॉम्यूटर ने लिखा है, सारे लिख रहे हैं। सिर्फ एक मिसिंग है, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस का, वो लिख लें आप। समझ गए? फिर देखते हैं एज अ स्विच। एज अ स्विच कौन मीटर एन बी एन एज अ स्विच, उसमें अगेन कनेक्टिंग से एक है बी पी बी, ये आर बी, ठीक है। मीम बी सी सी, ये आर सी, यहां से कौन से कट जाएगा? यहां से कौन से जाएगा? यहां से क्लियर। तुम इसको रिव्यू कर लेते हैं, करेक्ट। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आउटपुट इनपुट इनिशियली कीप दिस एज जीरो, ठीक है। अगर ये वोल्टेज जीरो है, आईबी क्या हो जाएगा? जीरो। आईबी जीरो तो आईसी क्या हो जाएगा? जीरो। यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होएगा? जीरो। तो आउटपुट सारा पोटेंशियल कहां मिलेगा इसको? तो आउटपुट पोटेंशियल हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन तो नहीं, अगर आईबी जीरो है तो आईसी जीरो है, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही हो रहा यहाँ पे, तो सारा पोटेंशियल इसके क्रॉस ही मिलेगा, समझे। आउटपुट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, मतलब इनपुट हमारा जीरो वोल्टेज है तो आउटपुट क्या है? मैक्सिमम है। तो वोल्टेज केस में ये रिवर्स स्विच होगा, इनपुट मैक्सिमम तो आउटपुट जीरो, सॉरी इनपुट जीरो तो आउटपुट मैक्सिमम। अब जैसे से आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, आई बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, तो आउटपुट में लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा, वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम, आउटपुट क्या हो जाएगा? मिनिमम, मिनिमम, नॉट नेसेसरली जीरो। तो हम इसको तीन पार्ट में करते हैं। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन, इस कॉल्ड कट ऑफ रीजन, इस कॉल्ड एक्टिव रीजन, इस कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। मतलब कट ऑफ मतलब इनपुट जब आपका कटा हुआ है तो आउटपुट क्या है? मैक्सिमम। जब आपका इनपुट मैक्सिमम है तो आउटपुट क्या है? मिनिमम। तो वोल्टेज केस में दिस एक्ट एज अ रिवर्स स्विच। करंट में सेम है, इनपुट करंट जीरो तो आउटपुट क्या है? जीरो। मैक्सिमम तो आउटपुट क्या है? मैक्सिमम है, करेक्ट। बेहतर स्विचिंग के लिए एक्टिव रीजन को हमेशा मिनिमम होना चाहिए। अगर ऑन के ऑन हो जाए ना, ऑन कर दिया, ऑन हुई जा रहा, हुई जा रहा, हुई जा रहा, तो वो नहीं होगा। तो बेहतर स्विचिंग के लिए एक्टिव रीजन शुड बी वेरी स्मॉल। ये सीधा कंसेप्शन में आता है कि फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ एनपीएन एज अ स्विच, व्हाट शुड बी मिनिमम? एक्टिव रीजन शुड मिनिमम, समझे? कहीं से जाएगी? फिर आता है सर वट एल सी ऑसिलेटर, करेक्ट। एक ऑसिलेटर आपने
ये वेव से भी किया था, याद होगा। हाँ जी, हाँ एलसी ऑसिलेटर, उसमें हमने एक इंडक्टर कैपेसिटर लिया था, चार्ज किया, इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया था। मैंने बताया था कि कोई भी कॉयल एक्ट एज अ इंडक्टर कॉयल, तो उसमें कॉलिंग होनी चाहिए बस। अब कॉलिंग है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, अगर कैपेसिटर एनर्जी यहाँ जा रही है तो कुछ नहीं तो डिस्प्लेट होगी यहाँ पे, फिर कम एनर्जी यहाँ आ जाएगी, फिर कम एनर्जी यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो ऑसिलेशंस आएंगी उनका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज करेगा, तो डैम्ड ऑसिलेशंस आती हैं और अल्टीमेटली खत्म हो जाता है, करेक्ट। बट हमें चाहिए अनडैम्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस विदाउट एनी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, जिससे एम्पलीट्यूड जो है कॉन्स्टेंट है, एज इट इज, करेक्ट। तो उसके लिए हमें कॉन्स्टेंट एनर्जी सोर्स चाहिए, कॉन्स्टेंट एनर्जी। जैसे आपको एक बार अच्छे झूला दे दिया, फिर उठ गया, आप अभी तक कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, झूला धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आप पीछे बंदा खड़ा लेते हो, बियर धोखा देता रहे, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट। तो आपने कॉन्स्टेंट एनर्जी सोर्स को पीछे लगा दिया, तो कॉन्स्टेंट एनर्जी सोर्स हम यहाँ लगाते हैं, तो गेट दिस थिंग क्लियर। सेकंड कैसे बना रहा है उसका, हाँ जी लिखा हुआ नोट्स में सारा कुछ है, और आप देखेंगे यहाँ से तो वर्ड टू वर्ड एवरीथिंग इज देयर। पेज नंबर 22 और 23 पर देयर ट्रांसलेटर स्विच लिखा हुआ, प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है, इसको सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना? यस सर, बस ठीक है, इज नो रीड। अब yes, it is correct. This is called coil 1, this is coil 2. आपस में कपड़ नहीं है, आपस में कपड़ है। जस्ट टू मेक ये डायग्राम, ये दिखा रखा है दूर दूर है, बेसिकली इसके ऊपर ही प्लास्टिक रैप करके एक और इसको भी रैप कर रखी है। मकसद क्या है कि जो वेरिएशन इसके साथ लिंक हो सेम वेरिएशन के साथ हो जाएगी, जो वेरिएशन के साथ होगा वही वेरिएशन इसके साथ लिंक हो जाए, समझ गई। अब बहुत ध्यान से कहानी सुनो क्या हो रहा है, आपने सिर्फ स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट जो है आईसी जो आ रहा था वो इंक्रीज करना शुरू करेगा, है ना? हमारा इंक्रीजिंग करंट को इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है, तो इंड्यूस करंट वो इस डायरेक्शन में भेजेगा, क्लियर? अब क्योंकि ये दोनों कॉइल्स आपस में कपल्ड हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में भेज रहा है कभी चाह जान दो टीवी करंट कहाँ भेजेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये करंट क्या करेगा, इसके फॉर्ड पैसिंग को सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करेगा, कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करेगा, जैसी सपोर्ट करेगा तो हमारा आईबी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, अगर आईबी इंक्रीज करेगा तो आईसी और इंक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग करंट को और ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, ये और अपोज करेगा, ये अल्टीमेटली और सपोर्ट करेगा और चार्ज करेगा, तो इंक्रीज करते 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 एक ऐसा आएगा जो मैक्सिमम पहुंच गया, करेक्ट। तो जैसे ही मैक्सिमम पहुंच जाएगा इंडक्टर रोल क्या हो जाएगा, खत्म। इंडक्टर तभी इंड्यूस करता है जब करंट वेरी कर रहा है, वंस करंट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू देयर इज नो रोल ऑफ इंडक्टर, उसका करंट क्या करेगा, जैसे जो चार्ज हुआ था वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, तो करंट को यहां भेजेगा। कवेश क्या ढूंढ रहे हो, पैसे यहां करंट पे जा भेजेगा। अब ये करंट इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज करेगा तो आईबी क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, एकदम डिक्रीज करेगा, आईबी डिक्रीज करेगा तो आईसी क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीजिंग करंट को इंडक्टर क्या करता है, सपोर्ट करता है,
क्या करता है सपोर्ट, इंक्रीजिंग को अपोज करता है, डिक्रीजिंग को सपोर्ट करता है। अगर यहाँ सपोर्ट करेगा तो यहाँ भी सपोर्ट करेगा, अब ये सपोर्ट अगेंस्ट इससे अगेंस्ट जा रहा है और तो ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो और कम हो जाएगा, तो कम होते होते क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो चार्ज ऑसिलेट होता रहेगा और हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिल जाएंगे। समझ गए, समझ गए, विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड। क्यों होएगा, हमारी बैटरियां बहुत बढ़िया हैं, बैटरी बहुत बढ़िया है तो वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा। समझ गए, समझ गए, लेट्स सी नेक्स्ट में आते हैं लॉजिक गेट्स। क्या आते हैं, क्या आते हैं, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहानी है, कैसे करना होता है। जो एलसी ऑक्सीडेटर है उसमें अगर बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली इससे सारे सिस्टम चेंज जाएगा। हमारे ट्रांजिस्टर्स काम ही नहीं करते हैं जब एक फॉरवर्ड एक रिवर्स है, दोनों ही फॉरवर्ड जाते हैं तो काम ही नहीं करता। हाँ जी, लॉजिक गेट में सुन लीजिए ध्यान से, दो इनपुट हैं जीरो और एक वन। जीरो मतलब नो इनपुट, वन मतलब मैक्सिमम, जीरो मतलब मतलब इनपुट मतलब वोल्टेज, इन मतलब वोल्टेज आ रही है तो अगर इनपुट आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रही तो इनपुट नहीं आ रहा। समझ गए, करंट से कोई लेना देना नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। दो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे पास, ए बी 0011, बी 0011। ओहो, 0101 करेक्ट। जब आपको कभी दिखाना था, अभी तो है नहीं सिलेबस में, तो हम इसे ही लेते थे। एग्जाम में तो कुछ भी आएगा, कुछ भी आपको एंट्री दे सकते हैं, 0110110 कुछ भी दे सकते हैं। समझ गए, जब आपको खुद चूज करना होगा तो आप ये दो चूज करेंगे अपने आप। ठीक है, एक होता हमारे पास पहला और गेट, क्या होता है जहाँ ए प्लस बी मिलके वाई बनता है, इसको बोलते हैं लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन। समझ गए, मतलब ए क्या हमारा 0011, बी क्या हमारा 0101। वैसे तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, 0 प्लस 0 कितना होएगा, 0 प्लस 1 कितना होएगा, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 आउट नहीं, 1 का मतलब सिग्नल आ रहा है, स्विच ऑन है सर्किट, 2 मतलब ऑफ है, तो दो बार ऑन कर दोगे दो टुकड़े थोड़ी हो जाएंगे वहाँ, वो तो एक ही रहने वाली है। 1 प्लस 1 भी 1 है और 1 प्लस 1 भी 1 है। समझ गई, ये समझे, अब इसका सिंबल होता है ये वाला, ये सिंबल है इसका, और दो इनपुट और एक आउटपुट। एक सिग्नल की जगह आपकी वेव फॉर्म आती है, सिग्नल की जगह वेव फॉर्म, जैसे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मतलब जो बच्चे नीचे घूम रहे हैं, जो नीचे घूम रहे हैं वो जीरो है, क्या है वो, जो यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि शायद नीचे घूम रहे होते बच्चे कर रहे होते वो भी जीरो है। नीचे रहना है नीचे आना दोनों जीरो है, नीचे घूम रहे तो जीरो ही है, जो यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि काश नीचे घूम रहे होते कहाँ बैठ के फिर इसमें हम, वो भी जीरो है, और जो मेरे पास आ रखे हैं वो वन है। और नीचे घूम रहे हैं सोच रहे हैं कि काश हम सबके पास ले जाते वो भी वन है, ये वन है, सोचते हैं ना, समझ रहे। तो ऊपर आना या ऊपर रहना वन, नीचे रहना या नीचे जाना जीरो। समझ गए, अब कहानी ऐसे बना लो, जीवन गया आपका ए, जीवन गया आपका बी, जीवन गया आपका वाई, जस्ट मिल्कुल डिस्टेंट में चाह रहे कि चल रहा हूँ एग्जाम में आगे पास 8, 9, 10 तक भी आ सकते हैं। समझ गए, आप ऐसे बना लें कि कैसे बना लें, ठीक है, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ठीक है।
ए क्या था 0011 जीरो जीरो यहाँ से बन होना है तो ऊपर आ जाएगा बन बनना है तो ऊपर आएगा और ऊपर ही जाएगा क्या क्यों और ऊपर उठ जाएगा कहाँ जाएगा ऊपर चलते जाएगा यहाँ स्काई एलिमेंट तो समझा रहा हूँ उतने तक ही सीखो बस हाँ जी जीरो और वन ही आएंगे कहाँ पे यहाँ पे अरे इनपुट स्टैंडर्ड बेटा हमारा खुद चूज करिए तो ही रहेगा वो जो देंगे वही लेना होगा तब समझाऊंगा मैं आपको पहले जो समझाया उसने बस 0011 जीरो जीरो वन वन ऊपर चला गया वन ऊपर आएगा अगला क्या है 0101 जीरो वन वन ऊपर चला गया जीरो नीचे आ गया चला गया जीरो ऊपर यहाँ पे वन वन ऊपर चला गया जीरो नीचे आना नीचे आना कि नीचे रहना जीरो ऊपर जाना कि ऊपर रहना इस बार अगला 0111 जीरो वन 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 करेक्ट इस फॉर्म में दिया होता है राउंड टेबल बनाना मतलब अकॉर्डिंग किसका क्या मतलब है समझ गए इसमें क्या फिजिक्स है हाँ जी इसमें क्या यस सर बहुत फिजिक्स है इसमें ये वैसे कोडिंग का पार्ट है देखा जाए आप कोडिंग ही है सारी हाँ जी है क्या मतलब कौन लॉजिक गेट होते किस आपका मेन मकसद एक ही है बस गेट एंट्री टू नहीं बट ये होएंगे तो किसी चीज में ये सारे होते हैं बेटा ये सारे सिग्नलिंग आपकी सारी जो चलती है कोडिंग चलती है डेटाबेस चलता है इसी बेस पे चलता है आप स्विच को कह रहे थे जब हमने टू बोला था क्या कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है वो समझो रियलाइजेशन करेक्ट है तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 5 मिनट की बैटरी लगी हुई है एयरटी में ये दो डायोड्स लगे हुए हैं पावर बायस में और यहाँ पे अर्थिंग रखी है यहाँ पे आउटपुट है मैं समझा दिया था कि वोल्टेज आएगी तो आउटपुट आएगा वोल्टेज नहीं आएगी तो नहीं आएगा करंट से कोई लेना देना नहीं है समझिए इनिशियली अर्थ में ए और बी को दोनों को जीरो सेंड कर दिया अर्थ कर दिया तो वोल्टेज ही नहीं है यहाँ पे आउटपुट जाएगी नहीं आएगी आगे जीरो फिर आपने ए को कनेक्ट कर दिया वन से तो वोल्टेज कनेक्ट कर दिया क्योंकि फॉल्ट बायस में करंट वोल्टेज फ्लो कर जाएगी यहाँ से वोल्टेज आ जाएगी आ जाएगी इसको ऑफ कर दिया इसको ऑफ कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से आ जाएगी दोनों कनेक्ट कर दिया तो दोनों से वोल्टेज आ जाएगी एक्चुअल में ये रिलेशन होती है अभी स्थापो बैठ दोनों को जीरो से जीरो वोल्टेज जीरो 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 अगर एक कनेक्ट कर दिया यहाँ से तो 5 वोल्ट यहाँ से जाएगी तो 5 वोल्ट आ जाएगी वन अभी आपको कहाँ नेक्स्ट वी हैव एंड गेट में ये सिंपल हो गया ये लॉजिक ऑपरेशन हो गया ए डॉट बी इक्वल्स टू वाई ए 0011 बी 0101 वाई क्या आएगा 0000 0010 0011 बटर है ना और आउटपुट में जाएगी 0000 और 1 रिलेशन इसकी ये 5 मिनट की बैटरी ये डायोड लगा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिशियंस हर पांच घंटे बैठते हैं, हर रिंग करते हैं, यहाँ से आउट। ओके, तो जब आपने यहाँ पे जीरो एंड किया, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बट यहाँ से वोल्टेज जा जाएगी, इस डिस्टेंस से लाओगे डिस्टेंस नहीं है, ये तो फॉर्ड बाइसिंग में आ गया, तो सारा ब्रेकिंग एंड ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा? जब आप किसी नेटवर्क होगे तभी जो यहाँ से प्रो कर जाएगा, तभी सर्वे जी ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? फिर बट अगर आप दोनों कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से पाँच वोल्ट आ रही है, यहाँ से पाँच वोल्ट आ रही है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट वोल्टेज तो आ जाएगी ना। आगे आप फिर इसके बाद आपके पास नॉट गेट, नॉट गेट, सिंबल है, इसमें ए का इन्वर्स इज आउटपुट, ए 0011 इन्वर्स इज 1100, क्लियर? और इसका ऑपरेशन यहाँ से सिग्नल आ रहा है 5 वोल्ट, यहाँ से आप लेना आरसी, जब आपने इसके यहाँ कनेक्ट कर दिया तो आईबी क्या हो जाएगा? 0, आईबी 0, तो आईसी क्या हो जाएगा? 0, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल आ गया, जब आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया तो आईबी हो जाएगा मैक्सिमम, आई मैक्सिमम तो आईसी मैक्सिमम, सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट बिकम्स 0। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट वी हैव नैंड गेट एंड नॉर गेट, नैंड और नॉर, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे गेट इन्हीं कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, और बना लो एंड बनाओ नॉट, इसी कॉम्बिनेशन से बनने, करेक्ट? नैंड इज एंड प्लस नॉट, एंड क्या था? ये एंड था, नॉट लगा दो नैंड बन गया, बाउल इक्वेशन ए प्लस ए डॉट बी था, उसके इन्वर्स कर, ए क्या था? 0011, बी क्या था? 0101, ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 to 0 guys 1 1 1 0, करेक्ट? फिर नॉर गेट और प्लस नॉट और प्लस नॉट और में ए और बी 0 0 1 1 0 1 0 1, वाई क्या हो जाएगा? 0 plus 0 उल्टा is 1 1 plus 0 1 उल्टा is 0 0, समझ गए? चापू और बापू, चापू और